Hey guys, Kitashi, this is Yem and we welcome back to my channel. Finally, धूप आ चुकी है प्राग में. Woohoo! सबके फोन निकले, आप देख ही रहे हो. बाहर आए एंड धूप थी तो सबने अपने फोन निकाल लिए, फोटोज खींच रहे हैं. इट्स आर डे टू एंड आज हम कवर करने वाले हैं हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ प्राग. सबसे पहले हम जा रहे हैं कैथीड्रल, जिसका नाम है सेंट वीटूस कैथीड्रल. फोटोज में बहुत प्यारा लग रहा था तो पहले हम वहाँ जाएंगे. एंड सेकेंड लोकेशन रहेगी हमारी, सेकेंड लोकेशन इज द कासल पैलेस. कासल है ना सेकेंड? यस, पैलेस. सो सेकेंड लोकेशन कासल या पैलेस में से कुछ एक है जो हम आ जाके पता लगेगा, बट प्राग पैलेस उसका नाम है. तो वहाँ जाएंगे हम. आज पूरी हिस्टोरिक प्लेसेस विल कवर एंड यस, वेरी एक्साइटेड. आउटफिट भी उसी हिसाब की डाली है, थोड़ा ब्राउन शेड्स में. कल ही लिया था उन्होंने, दिन इसको ले कब से ये बोल रही थी कि मेरे को ये वाला चाहिए. हाँ, टेडी वाला मटेरियल वाला मिल गया है. रिशु ने भी अपनी आउटफिट डाल ली है, ये भी इसने कल ही लिया था. ये गॉगल्स भी निकल गए बिकॉज धूप आ चुकी है. आशी ने डाला ग्रीन कलर एंड ब्लैक. ओके, ब्लैक तरह मिस हो जाता है. बट यस, वी आर रेडी टू गो, वेटिंग फॉर द उबर. ऑल्सो हम कैथीड्रल में चार लोग होंगे बिकॉज टीके सुबह से गया हुआ है एक बहुत ही स्पेशल शूट के लिए, जिसके बारे में टीके ही आपको बताएगा. वो सुबह 7 बजे निकल गया था एंड अभी तक बाहर ही है. आई थिंक उसका खत्म होने वाला होगा थोड़े टाइम में, बट बहुत ही स्पेशल शूट है जिसके बारे में वो आपको इन्फॉर्म कर देगा इंस्टाग्राम पे आई गेस. बट अभी के लिए निकलते हैं कैथीड्रल. सो गाइस, इस लोकेशन में आया, यहाँ से पूरा प्राग दिख रहा है एंड यहीं पे सब कुछ है. पैलेस भी है, कैथीड्रल भी है एंड यहाँ स्टारबक्स को जो लोकेशन मिली है ना, मतलब स्टारबक्स के पास होती है बहुत क्रेजी लोकेशन, बट ये क्या है भाई? क्या है? इतना यहाँ पे ये स्टारबक्स एंड यहाँ से आती है लोकेशन. ये मतलब बिल्कुल टॉप पे है जहाँ से पूरी प्राग सिटी दिखती है एंड लोग यहाँ पे बैठ के अपनी कॉफी पी रहे हैं. मतलब क्या ही है भाई, अमेजिंग लोकेशन. सो गाइस, कैफे आ चुके हैं हम. एक बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे कैफे था, वहाँ पे हमारा फर्स्ट मील करने वाले हैं. ऐसे खाने के ऑप्शंस कम ही है बिकॉज प्रॉपर डेजर्ट ज्यादा है, बट कुछ तो लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लग रही है. ब्रेकफास्ट होने वाला टाइम टू ईट, जो भी था कैफे में सब मंगा लिया. जो भी था मतलब ए टू जेड सारी चीजें जो भी मतलब हम खा सकते थे. दिस इज स्पिनच कीश, स्पिनच एंड चीज पैटी टाइप्स, स्पिनच एंड पैटी रोल. दिस इज चिकन कीश, दिस इज चॉकलेट टार्ट एंड वो क्या कुछ तो है जो हम खा सकते हैं. तो सब कुछ मंगा लिया. स्पिनच होता है, बहुत सारा स्पिनच है इसमें. एक्साइटेड, लेट्स गो. तो गाइस, खाना हो चुका है डन कैफे से. नाउ इट्स टाइम टू गो टू कैथीड्रल. एंटर कर चुके हैं हम, अंदर जाके देखते हैं कैसा है एंड आपको भी दिखाते हैं. तो गैस, हमने टिकट्स ले ली हैं कैथीड्रल पैलेस और दो तीन चीज़ें, सबकी एक ही टिकट थी तो वो हमने ले लिया एंड लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है. ये लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ ज़्यादा ही लंबी है बट थोड़ा फास्ट चल रही है तो शायद जल्दी हो जाए. एंड ये एक जो टिकट हमने ली है आज भी वैलिड है, कल भी वैलिड है, कल भी आएंगे बट देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से वो घूम के वो जो वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग वहाँ तक है, टाइम तो लगेगा अभी. एंड ये यहाँ का क्लॉक टावर जो बहुत ही सबसे ज़्यादा फेमस है, यहाँ का सबसे फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, तो हमने कहा अंदर जाके तो देखनी चाहिए. सो जा रहे हैं हम अंदर, लेट्स गो. चल तो तेज रही है, आई होप हम आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंचे. ऊपर भी जगह खड़े होने की टावर के ऊपर, वहाँ पे भी लोग वीडियोस ले रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा मैसिव एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है देखने में, आगे से भी, इस साइड से भी जहाँ से क्लॉक टावर दिख रहा है एंड उस साइड से भी जहाँ से प्रॉपर कैथीड्रल दिख रहा है. वहाँ पे एक सेकंड के लिए फोटो खिंचाने के लिए रुकी है एंड इतनी तेज लाइन आगे आ गया, लाइन बहुत तेज चल रही है थैंकफुली. सनलाइट पड़ी तो क्या क्रेजी लग रहा है. कैसे पड़ेगी सनलाइट? ऐसे पड़ेगी पानी. कैथीड्रल तो हमने देख लिया अंदर से, बहुत ही ज्यादा सुंदर था.
बहुत हवा चल पड़ी एकदम से, बट इतना ज्यादा प्यारा था, आपने क्लिप्स में देखा ही होगा, हर कॉर्नर हर चीज इतनी आर्टिस्टिक, इतना ज्यादा प्यारा बना हुआ, आर्किटेक्चर वाइज तो इनसेन, मजा आ गया। हाँ वो डिटेलिंग वाली बात ही होती है, छोटी छोटी जो डिटेलिंग थी ना, हर पेंटिंग एवरीथिंग ऑन द वॉल टूवर्ड, मजा आ गया। अभी हम ट्राई करते हैं कि दूसरी साइड जाएं एंड पैलेस देखें, और ट्राई करते हैं थोड़ा बाहर, और आज आज स्टंट भी एक्सट्रीम है, तो ट्राई कर लेंगे कि वो कवर हो जाए पैलेस और कैथीड्रल आज ही, तो कल शायद फिर हम ना आए, बट अगर नहीं हुआ तो कल भी आ सकते। अरे फीलिंग लग रहा है फुल, ऐसा हाथ ऊपर करियो अक्षय कुमार, ऐसे नहीं अक्षय कुमार। सो गाइस अभी हम आए एक रेस्टोरेंट फॉर आर लंच, बिकॉज हमने पिछले कैफे में मतलब थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत तो नहीं बट मेन कुछ डिश नहीं खाई थी, बट डू यू वांट टू सी द व्यू फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, द पैनोरामा व्यू ऑफ प्राग, वाओ लुक्स सो प्रिटी। Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you, we can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles on the shelf. तो गाइस कैथीड्रल एंड कासल पूरा घूमने के बाद हम वापस आए थे हमारे एयरबीएनबी में, एंड हमने 2 घंटा रेस्ट किया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे, कैसल में काफ़ी वॉक करना पड़ा, नीचे भी उतरे थे ऊपर भी वापस आए, तो काफ़ी ज़्यादा वॉक थी, एंड वापस आके रेस्ट किया। अभी वापस दोबारा बाहर निकले हैं फॉर आर डिनर, एंड हम जैपनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जिसका नाम है ओ माई गॉड, आई होप हमारा रिएक्शन भी वैसा ही निकले खाना खा के। एंड ये टॉप 3 रेस्टोरेंट्स में आता है, उन्नति ने चेक किया था जापानीज रेस्टोरेंट में यहाँ के, सब ने सोचा कि ट्राई तो कर ही लेते हैं। ऑल्सो अभी हम क्रॉस कर रहे थे ब्रिज, रिवर है यहाँ पे एक, एंड एक और बहुत फेमस ब्रिज है यहाँ पे जो मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल हम वहीं पे जाने वाले हैं, वहाँ का पूरा अच्छे से ब्लॉग करूँगा, जहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं न्यू ईयर्स के लिए भी, तो वहाँ तो पक्का जाएंगे हम कल, आई शो यू टुमारो। अभी के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में एंड खाते हैं जापानीज फूड। ऑल्सो गाइज हम वॉक करके यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, 20 मिनट्स की वॉक थी, बट यहाँ पे वॉक का पता ही नहीं लगता, इतनी ज़्यादा ठंड है एंड वॉक करने में इतना मज़ा आता है कि हम वॉक करके ही पहुँच गए यहाँ पर। यस, इतना चलने की आदत नहीं है, बट यहाँ पे चलो जितना खा भी इतना जंक रहे हैं कि थोड़ा हो जाएगा जंक। चले चलो चले चलो, इंडियन खाना है अभी, आज जापानीज खाना, इंडियन खाएंगे हम 2 दिन बाद जब फुल क्रेविंग होगी मैक्स वाली। सो गाइस हम ओ माय गॉड में आ चुके हैं, ओ माय गॉड की वाइब इज ऑल्सो ओ माई गॉड, फुल एनिमे वर्ल्ड में आ चुके हैं ऐसा लग रहा है, बिकॉज इंटीरियर पूरा हर एनिमे का यहाँ पे पिक्चर है, सारे एनिमेज सारे कार्टून्स, डोरेमोन का भी है वहाँ पे एंड नारुतो सबका है, एंड खाने में ऑर्डर हमने कर दिया, दिस इज़ द राइस पेपर रोल होता है जो फ्रेश रोल, दिस इज़ द मैंगो सुशी, चिकन यूज़ा भी हमने ऑर्डर किए थे जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, एंड ऑल्सो और भी बहुत खाना आ रहा है, द वाइब इज़ परफेक्ट, फुल ऐसा लग रहा है जापान में ही आ गया, और एक्साइटेड हो गया मैं जापान जाने के लिए, क्यों उन्नति वो प्लान, वो ट्रिप भी प्लान करना पड़ेगा जल्दी, very soon, but the vibe here is just perfect, jaisa chahiye tha, amazing, let's eat now, Naruto ramen, chicken curry, udon chicken noodles, so guys we are done with our dinner, dinner tha 10 on 10, bahut maza aa gaya japanese khana kha ke, bahut tasty tha, definitely I'll recommend if you are here in Prague, do try OMG. मम्मी अगर व्लॉग देख रही हो, मॉइस्चराइजर लगा लिया मैंने, मेरे को मम्मी फोन करके बोलती है, बाहर अभी व्लॉग टीवी पे देख रहे हैं, पूरी ड्राई हो रही है, ऐसा बोल रही है। मेरी मम्मी बोल रही है सबने बैग उठाए हुए हैं, सबके पासपोर्ट उनके पास होंगे, तेरा बैग कहाँ है? मेरे का नहीं, संभाल लिया।
प्रेम पे करते आज का दिन खत्म. इट वाज सुपर फन. आई होप यू लाइक द व्लॉग. इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू सी यू गाइस टुमारो. 2 मिलियन. 2 मिलियन.